दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल सर्विका सिंह ब्लॉग में। तो आज है दिन बुधवार और सुबह के बज रहे हैं 8:45 और वंशिका जा चुकी है स्कूल और सौर्य दूध पी के वॉकिंग कर रहा है, तब जाके फ्रेश होगा, फिर उसको तैयार करूँगी। और मेरी आज गर्मा गर्म चाय बन चुकी है, देखिए नए कप में आज मैंने लिया है। और इस कप को मैं ढूंढ ढूंढ के पागल हो रही थी कि कहाँ चला गया, लेकिन ये मिल गया फाइनली। मैं इसे बेड में ढूंढ रही थी पर ये किचन में ही था, ऊपर मैंने डब्बा इसका चढ़ा दिया था इसलिए मिल नहीं रहा था। तो आज पुराने वाले सारे कप मैंने हटा दिए, फिर नए नए सारे निकाले हैं, तो अब मैं इसमें पीऊंगी। अच्छा लग रहा है ना मेरा कप। हाँ तो कहीं से खाली इसको तुरंत बतिया लीजिए ना, तुरंत फाइनल बात ही कर लीजिए। किसका है? सुरेंद्र का। कौन सुरेंद्र? बहन वाला संजय बोला सुरेंद्र लेके जाएगा, मैं फोन कर दे रहा हूँ। चलो चलो चलो, बोतल डाल दिया बेटा, वो पीछे दरवाजे के पीछे है। टांगो भी नहीं गया। नहीं टांगो, लो इसका बैग इतना भारी है। रुक जा बेटा। अरे बाप रे बाप, बात तो कर लो। बाय बाय। मैथ वाला कर लेना आज बेटा। हेलो फ्रेंड्स, तो सुबह के बज रहे हैं 10 और मैं इस समय किचन में हूँ। अभी तक नहाई नहीं हूँ और यहाँ पे मैं बना रही हूँ। नहाऊंगी थोड़ा रुक के, क्योंकि आज का मौसम थोड़ा ख़राब है, बारिश वगैरह हो रही है, थोड़ा रुक के नहाऊंगी। और यहाँ पे देखिए बन रहा है मेरा मटर का भुजी, जो इसमें मैं आलू और गोभी दोनों मिलाऊँगी, क्योंकि हमारे तरफ तो सिर्फ मटर का ही बनता है, पर हस्बैंड जी कह रहे हैं कि नहीं हमारे तरफ इस तरह से बनता है, तो शायद उनकी तरफ इस तरह से बनता हो, गोभी वगैरह का यूज होता है, तो मैं उसी तरफ से उनको जब ऐसा पसंद है वैसा ही बनाऊंगी। और ये मैंने कर लू मटर है ये वाला, जो मैंने कल आप लोगों के सामने ही शायद नहीं दिखाया था। कल मैंने इसको पूरे 5 किलो था, तो मैंने सारा इसको मटर के दाने निकाल दिए छील के और ऐसे करके रख देती हूँ कंटेनर में, यार इसमें ऐसे इस तरह से रख के रख देती हूँ। और एक टिफिन और ऐसा भर के रखा हुआ है, तो मैं इसको बना लेती हूँ। तो ये देखिए, ये इसको पहले गोभी को मैंने अच्छे से फ्राई कर दिया है और फिर आलू भी फ्राई कर दी हूँ। अब इसमें मैं डालूँगी मटर, तो मटर ज़्यादा पड़ेगा क्योंकि मटर का घूरी है, तो मटर ज़्यादा पड़ेगा और आलू और गोभी की मात्रा कम रहती है शायद इसमें, तो मैं इसी तरह से बनाऊँगी। और हमारे तरफ मटर की खेती ज़्यादा होती है, इसलिए हमारे तरफ मैंने आज तक यही देखा है कि मटर ज़्यादा डाला जाता है, पर ठीक है जैसे उनको पसंद, सब लोग खा लेंगे एक बार, ऐसे बना के देखते हैं, अच्छा ऐसा भी लगेगा शायद। तो ये है, और मैं ज़्यादा इसलिए बना रही हूँ क्योंकि बच्चे भी आएंगे तो खाएंगे स्कूल से, तो ये चाय के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। और इसमें बहुत कुछ नहीं पड़ता है, इसमें सिर्फ हल्दी और नमक पड़ेगा। देखिए मैंने सारा डाल दिया और ये इतना है, और इसको अच्छे से फ्राई करके और थोड़ा सा ये फ्राई हो जाए तब इसमें हम नमक डालेंगे, नमक और हल्दी डालेंगे और फिर इसे ढक के पकने देंगे। तो अभी इसको फ्राई कर लेते हैं, फ्राई हो जाएगा, हल्दी और नमक डाल के और थोड़ी देर कम आँच पे इसको ढक देंगे, धीरे धीरे पकता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। इसे कभी भी ट्राई करिए, जो यूपी के होंगे वो ज़रूर ये चीज़ खाए होंगे, क्योंकि यूपी में हमारे ये मटर का घुघरी बहुत ही चलता है। और बाकी जगह मैं नहीं जानती, ज़रूर बताइएगा आप लोग कमेंट करके कि आप लोग की तरफ क्या मटर का घुघरी बनाया जाता है, ज़रूर बताइएगा। और बनाया जाता है तो कैसा लगता है खाने में भी बताइएगा, तो पसंद तो मुझे भी है, लेकिन शहरों में इतने मटर महंगे होते हैं कि घुघरी बनाना मुश्किल होता है। लेकिन अभी फ़िलहाल मटर का रेट बहुत ही डाउन चल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि सब लोग खाएगा, और बहुत जगह तो बहुत मटर महंगा होता है। तो हमारे यहाँ तो 100 में 7 केजी मिल रहा है, 5 केजी सॉरी 100 में 5 केजी मिल रहा है,
सौ में 3 केजी में डाल दीजिए। आइडिया नहीं है क्योंकि मैं सब्जी बहुत ही कम लेती हूँ, हस्बैंड जी लेके आए हैं तो वो लेके आए होंगे। 100 में 3 केजी है आई थिंक, तो 30 रुपये केजी हुआ तो ठीक ही है इतना तो। धीरे धीरे और रेट इसका डाउन जाएगा और मैं बना लेती हूँ फिर मिलती हूँ। और ये देखिए मैंने इसमें हल्दी और नमक मिला दिया है 5 मिनट के बाद, और गैस का फ्लेम लो कर देंगे। फिर इसको इस तरह से ढक के पकने देंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। देखिए गैस का फ्लेम बिल्कुल लो है तो बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे। चेक कर लेते हैं, बन चुकी होगी शायद, देखते हैं। ये देखिए लगता है बन चुकी है, इसको चला लेते हैं। बिल्कुल दब रहा आराम से, इसका मतलब पक गया है। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और ये बिल्कुल रेडी है। तो इसको थोड़ा देखिए कैसा लग रहा है, आ गया मुंह में पानी। और यहाँ पे मेरी बन रही है चाय, तो अभी चाय के साथ नहीं लूँगी क्योंकि मैंने अभी तो नहाया नहीं है, नहा के खाऊंगी। तो ये चाय तो हम लोग ऐसे ही पियेंगे अभी। अभी चाय पी के फिर हस्बैंड जी पहले नहाएंगे, पूजा करेंगे, उसके बाद मैं नहाऊंगी, तब जाके फिर से चाय बनाऊंगी, तब इसके साथ मैं इसको टेस्ट करूंगी। तो इसको थोड़ा सा ढक देते हैं ताकि बाफ ना बने, नहीं तो बाफ बनेगा तो सारा पानी इसी के अंदर चला जाएगा तो चिपचिपा सा अजीब सा हो जाएगा। तो कैसे बाल बिखरे बिखरे से लग रहे हैं। और देखिए पूरा काम फैला हुआ है इस रूम में क्योंकि कल कपड़े मशीन में जो धोए थे परसों वाले, तो इसको मैं फटाफट से ठीक कर लेती हूँ। सेवई है, ये नए तरीके से मैंने बनाई है। और यहाँ पे है पराठा, जो खाना होगा वो खा लेंगे और इसके साथ एक चम्मच दे देती हूँ। और यहाँ पे मैं नहा के आ चुकी हूँ और फिर थोड़े से बादल ऊपर घिरा हुआ है, पर थोड़े से कपड़े थे वो मैंने धो लिया और सॉरी के ड्रेस वगैरह था वो सब धोला, और बाकी सब तो कल के कपड़े हैं जो अभी सूखे नहीं हैं। बादल घिरा हुआ है, बारिश भी हो सकती है, लेकिन डाल दे रहे हैं थोड़ा बहुत पानी, उसका निचुड़ जाएगा। और ड्रायर अभी तक मेरा ठीक नहीं हुआ है, देखते हैं कब तक ठीक होता है। और उसके बाद से जाते हैं अंदर, देखते हैं नाश्ता वगैरह क्या करना है। मौसम कैसा हो गया है, एकदम बादल घिरा हुआ है। और कल के मेरे कपड़े सूखे हुए नहीं थे तो वो कुछ डाले हैं, थोड़ी देर में सूख जाएंगे हवा से। और आज भी थोड़े कपड़े थे, बच्चों के ड्रेस वगैरह थे। शौर्य रोज़ ही ड्रेस गंदा करता है इसलिए उसका रोज़ ही नंबर लगता है ड्रेस धोने का, तो वो चीज़ मैं आज धोई हूँ। और एक आध कपड़े और थे और बाकी सब कल वाले कपड़े हैं। बड़ी मुश्किल से सूखता है ऐसे बादल वाला मौसम, सुबह तो बारिश भी हो रही थी भाई, सब पानी इकट्ठा हो गया था जिसे मैं वाइपर से खींच रही थी, और फिर से बादल घिर गया है, देखिए क्या होता है अब। तो आज ज़्यादा ठंडी नहीं है, ज़्यादा ठंडी नहीं है, हल्की है, तो आज मैंने ये वाला डाल लिया जैकेट क्योंकि ये हल्की फुल्की ठंडी में सही रहता है। और अभी मैं नाश्ता कर लूँ। नाश्ते में तो पता ही आप सबको क्या बना है, मेरे यहाँ घुघरी है और पराठे हैं, तो मैं चाय बना लेती हूँ क्योंकि चाय के साथ घुघरी अच्छी लगती है। तो फटाफट से पहले चाय बना लूँ अपने लिए, नाश्ता की तैयारी अपने नाश्ता की।
हैं? चाय बना रहे, चाय के साथ खाएंगे ना। मतलब इसके लिए बुलाया? आलसीपन का हद होता है। अब तो जा रहे थे ऑफिस ना, उठाए उठाने वाला काम भी हम ही करें। कनीज, मैं कनीज हूँ तो कनीज है तो आपको राजा होना चाहिए ना। राजा हैं, नवाब हैं, लखनऊ में रह के नवाब बन गए हैं। हाँ नवाब से अच्छा क्या मैं छतरी ताने चलते थे चांदनी रात में, यहाँ के नवाब लखनऊ के चांदनी रात में छतरी ताने। आप भी चलेंगे क्या? बिहार के में नवाब था तो पेड़ा छिल छिल खाते, बिहार के पेड़ा छिल के खाते थे। ये मेरा आज का नाश्ता। बारिश हो रहा है, कैसा मौसम हुआ है, एकदम घना अंधेरा और बारिश हो रहा है, कभी ज़्यादा कभी कम। तो अब आ गई हूँ मैं अपने कंबल में, ये देख लीजिए, क्योंकि बाहर बहुत ही ज़्यादा ठंड है और मैं अब आराम करूँगी, आराम करूँ चाहे ना करूँ। देखिए पूरे बाहर गई थी, भीग गई हूँ और बारिश बाहर हो रही है। हस्बैंड जी उस रूम में टीवी देख रहे हैं, उनको देखने दो, बच्चे अभी आएंगे नहीं, बच्चे अभी 1:30 बज रहा है तो 3 बजे आएंगे दोनों, 3:30 पे। और मैं अपने आ गई हूँ कंबल में, मैं अब रेस्ट करूँगी अंदर, या तो मोबाइल देखूँगी या तो सो जाऊँगी। तो ये था आज का ब्लॉग, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा, चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए और बेल आइकन को जरूर प्रेस किया करें ताकि आने वाले मेरे नए वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। और मैं लेती हूँ मौसम का नज़ारा, बाय।